नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। मथुरा वृंदावन सीरीज के एपिसोड 4 में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे कंस किला, जहां राजा कंस रहा करता था। तो अब हम विश्राम घाट पार करते हुए यमुना नदी के रास्ते हम जा रहे हैं कंस के किले, यानी कि जहां पर राजा कंस रहा करते थे वहां पर जा रहे हैं। और कंस के हमारे किलों को गाइड भी होंगे आज के, हमारे जो बोट्समैन है वो हमारे गाइड होंगे, जो कि हमको कंस का किला घुमाएंगे। वैसे सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम दर्शन। क्या? दर्शन। दर्शन, तो आज हमारे जो बोट्समैन है उनका नाम है दर्शन। ये रानी घाट है। रानी घाट, कंस का किला हुआ वहाँ से, किले से यहाँ रानी स्नान के लिए आती है। अच्छा, कंस की रानी। कंस की रानी यहाँ स्नान करती, स्नान करना किसी समय पे अंदर होके घुपाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सुरंग टाइप के थे। हाँ, इसी जगह से 1 किलोमीटर जन्मभूमि है या भगवान का जन्म हुआ। हाँ हाँ हाँ, 1 किलोमीटर जहाँ से आए अभी हम लोग। वहाँ जेल हुआ करता था। हाँ जी, और ये निवास स्थान था चलना पड़ेगा, ये जमीन तो मैं दिखवा के लेके आऊंगा। अच्छा अच्छा, वैसा रास्ता नहीं है। अच्छा, समझ गई मैं, वो दिख रहा है उधर। अभी इस रास्ते से यूं घूम के, तो पुराने टाइप का बना हुआ है? पुराने टाइप का बना, पुराने अभी तक मतलब उसे। हाँ, थोड़ा बहुत रिपेयरिंग हो गया। थोड़ा बहुत रिपेयरिंग कराया, लेकिन दिखता है कि भाई ये पुराना। चलो देखते हैं। तो हम आ चुके हैं कंस के किले के पास में। यहाँ से थोड़ा सा सफर तय करना होगा और फिर हम पहुँचेंगे कंस किला। देखिए, शुरुआत हो चुकी है कंस के किले की। यहाँ से आप बड़ी बड़ी मंजिलें देख पाएंगे, जो कि बहुत ही पुरानी है, हिस्टोरिक टाइम की ये बनी हुई हैं, जो कि आपको दर्शाएंगी कि ये पुराने टाइम का किला है जहाँ पर राजा कंस रहा करता था। देखिए, ये है कंस के किले की एक ऐसी इमारत जिसे आप देखकर ही पहचान पाएंगे कि ये बहुत ही पुराने आर्किटेक्चर से बनी हुई है, और इसका रूप रंग देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी होगी। और जैसे कि आपने कई मूवीज़ में, कई सीरियल्स में देखा होगा, इसी तरह का कुछ आर्किटेक्चर उसमें दिखाया जाता है, तो उसी तरह का आर्किटेक्चर आप यहाँ देख पाएंगे। आपको मेरे पीछे एक इमारत दिख रही होगी, ये है कंस किला, जो कि बहुत ही प्राचीन है, बिल्कुल महाभारत के टाइम पर। जब अभी हम इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ बाहरी स्ट्रक्चर तो आपने देख ही लिया होगा, इस तरह की पुरानी इमारतें। वैसे यहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल खोल दिया गया है कुछ रिपेयरमेंट करते हुए, लेकिन जो मेन बिल्डिंग है वो ये है जिसके ऊपर अभी भी हम जाने वाले हैं। पूरा का पूरा किला था ये। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा। जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं, और ये जो घर आप देख पा रहे होंगे, जितनी भी दुकानें आप देख पा रहे होंगे, ये सारे के सारे कंस के किले के अंदर बनाए गए हैं। जैसे कि आप आर्किटेक्चर को देखकर पहचान पाएंगे कि ये कितना पुराना है, और इस ये हर एक बिल्डिंग पे आप जो ईंटें लगी हुई हैं वो कितनी पुरानी है। इन सब पे सिर्फ कलर कर दिया गया है, लेकिन ये जो पूरा रास्ता भरा हुआ है, जितने भी घर हैं, ये कंस का किला था पुराने टाइम पर। ये जो हम घूम करके ऊपर की ओर जा रहे हैं कंस के किले के ऊपर, वो तो हम एक ऐसा पॉइंट पर जा रहे हैं जहाँ से हमें प्रॉपर पता चलेगा कि ये कंस का किला है, लेकिन यहाँ से जितने भी रास्ते में ये घर नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे किले का भाग है। यानी कि जो किला था बहुत बड़े दायरे में फैला हुआ था, लेकिन आज आपको ऐसा लगेगा कि ये किला बहुत छोटा सा है, क्योंकि ये लोगों ने यहाँ पर अपने घर बना लिए हैं, क्योंकि बहुत पुराने टाइम की बात थी, लगभग 6000 साल पुरानी बात। तो उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन में लोग बसते गए, आते गए, और यहाँ पर उनके घर बनते गए। देखिए, ये है उस जमाने की ईंटें जिससे ये महल बनाकर खड़ा किया गया था। अक्सर आप देखेंगे कि पत्थर की चुनाई के साथ किले और महल बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। प्रकार का चूना वाला, ये चूना वाला है, चूना वाला सीमेंट है। हाँ, चूना वाला पुराना ही दिख रहा है सब कुछ। उस जमाने से मतलब इतनी मजबूती से भवन बने हुए थे। अरे है? ये पूरी कितने साल हो गए? बता
तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं कंस के किले के ऊपर। ये एक तरह से हम कहें तो कंस के किले की छत होगी, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ बना हुआ था पुराने टाइम पर, लेकिन आज वो ध्वस्त हो चुका है क्योंकि ये किला एक तरह से खंडहर हो चुका है। ऊपर की साइड से नीचे तो आपने देखा कि लोग रहते हैं, लेकिन ऊपर की साइड ये प्लेन ग्राउंड के जैसा आपको नज़र आएगा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर लगेगा कि आप किसी किले में आए हैं, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं इस किले की बॉर्डर की तरफ जहाँ से आप बाकी का नज़ारा देखने वाले हैं। तो जो लोग रह रहे हैं पहले सब बना हुआ था, टूट गया, खंडर हो गया ये है ये। यहाँ नीचे कमरे होंगे कुछ, ये सब काफी कमरे हैं सर, ये पूरी छत के नीचे कमरे कमरे वेलकम थे नहीं वो वाला था। हम लोग यहाँ खड़े हुए थे उस टाइम पे और ये कंस का किला ऊपर नज़र आ रहा था। अब हम ऊपर के और आ चुके हैं, आप नीचे हाइट देख पाएंगे जहाँ से हम इस कंस के किले को देख रहे हैं। ये देखिए आपको ये जो आर्किटेक्चर है पुराने तरह का आर्किटेक्चर है, और भी आप ये जो दीवारें देख रहे हैं पूरा का पूरा ये जो छत है ये कंस के किले की छत है। इसके ऊपर भी और भी स्ट्रक्चर्स थे, लेकिन अब वो ध्वस्त हो चुके हैं क्योंकि बहुत पुरानी बात है जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था और जब कंस यहाँ रहा करता था तब की बात है, और ये महाभारत काल का वक्त था, बहुत ही सालों पुराना। अभी तक ये इमारतें बची हुई हैं वो ही बहुत बड़ी बात है। कंस का किला यमुना नदी के बिल्कुल तट पर स्थित है। आप यहाँ से किले के ऊपर चढ़ कर के यमुना नदी को बड़े आराम से देख सकते हैं। बीच में एक छोटा सा आइलैंड टाइप का दिखेगा, ये छोटा सा आइलैंड है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको किनारे पे बोट ही बोट नज़र आएंगे। देखिए हर किनारे के उस पार देखिए आपको नदियाँ नज़र आएंगी, और इस तरफ आपको पूरी यमुना नदी फैली हुई नज़र आएगी। काफ़ी अच्छा सीन है, और यहाँ से जो हवा आ रही है ना वो काफ़ी अच्छी है। पूरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन यहाँ से थोड़ी थोड़ी हवा आ रही है तो थोड़ा बहुत मौसम सुहावना जैसा लग रहा है। यहाँ कंस के किले के ऊपर से देखेंगे तो हमको मथुरा शहर पूरी तरह नज़र आता है। ऊपर से एक नया व्यू हमको दिखता है, मथुरा शहर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है यहाँ से। ये देखिए ये है कंस के किले का अंदरूनी भाग। वैसे आजकल लोग रहने लग गए यहाँ पर, लेकिन कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था कंस के किले के अंदरूनी भाग का। ये तो ऊपर का टॉप है, आपने जितनी हाइट देखी अभी पूरा का पूरा मंजिलों से बना हुआ था। वैसे अब आजकल लोग रहने लग गए हैं तो उसकी वजह से हम देख नहीं सकते उस चीज़ों को, लेकिन यहाँ से बहुत ही अच्छा लग रहा है नज़ारा। ये देखिए हम जहाँ पर खड़े थे नीचे, ये वाली जगह जहाँ से मैं आपको बता रहा था कि ऊपर चलेंगे और देखेंगे, तो ये वो जगह है, और ये स्ट्रक्चर है ऊपर का, और ये है पूरा का पूरा मथुरा शहर। तो यहाँ पर इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा बहुत व्यूइंग पॉइंट तो बनना चाहिए ताकि हम थोड़े बहुत सेल्फीज वगैरह क्लिक कर सकें। ये देखिए पूरा मथुरा शहर यहाँ से बड़े आराम से दिख रहा है। पता है अगर कोई भी हिस्टोरिक जगह आप देखने जा रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर आपको उसकी कहानी पता हो। अगर आपको कहानी पता है तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा कि आखिर ये क्या हुआ था, कैसा हुआ था और किस जगह हम घूम रहे हैं। अगर आपको पूरी की पूरी स्टोरी याद होगी ना तो आपको एक एक्साइटमेंट बना रहता है कि आज हम उस चीज़ को देखने वाले हैं जो शायद हमने किसी मूवी में देखी थी। और ये एक्चुअल जगह है जहाँ पर कंस रहा करता था, और यहीं से वो अपना जो भी तानाशाही वाला पूरा किंगडम चलाता था। हाँ ये किले का ही पार्ट है, पूरा किले का अंदरूनी भाग है। तो चलिए अब यहाँ से देखिए और इमेजिन कीजिए कि अगर इन घरों के कलर्स को आप वापस से इन पुरानी बिल्डिंग की तरह कर दें तो अब आपको क्या नजर आता है। ये था पूरा का पूरा कंस का साम्राज्य। इस बात की गवाही देते हैं यहाँ के पुराने खिड़की दरवाजे, पुराने आर्किटेक्चर और ध्वस्त हो गई इमारतें, जो कि आपको देखकर ही पता लग जाएगा कि कितने पुराने टाइम से बने हुए हैं। तो ये है कंस का महिला कारागृह, जहाँ कंस महिला कैदियों को कैद करके रखता था। ये अलग अलग दिशाओं से कुछ इस तरह का नजर आता है। और जैसे जैसे आप कारागृह से दूर जाते जाएंगे आपको यमुना नदी बहुत निकट नजर आती जाएगी।
तो अब इस घर के आर्किटेक्चर, इसकी बनावट को जरा ध्यान से देखिए, इसके खिड़की दरवाजों को गौर से देखिए, आपको पता लग जाएगा कि ये पुराने टाइम का बना हुआ है। बोर्ड के पीछे से देखें तो पूरा का पूरा जो विश्राम घाट है वो बहुत अच्छे से नज़र आता है, और जो विश्राम घाट के किनारे जो कंस का किला है वो भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। मतलब ये आप पूरी की पूरी जो बाउंड्री देखेंगे यमुना नदी के किनारे, ये पूरा का पूरा कंस का किला हुआ करता था किसी टाइम पे। आज तो लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू कर दिया है, यहाँ पर अपने अपने घर बना लिए हैं, क्योंकि वो किला बहुत ही पुराना था, ध्वस्त हो चुका था। तब हम कंस का किला देखकर विश्राम घाट से लौट रहे थे तो हमें बीच में द्वारिकाधीश मंदिर दिखाई दिया, जिसका टाइमिंग भी बाकी मंदिरों के लगभग ही है, जो कि सुबह खुलता है और शाम को खुलता है, और दोपहर 12 बजे से लगभग शाम 5 बजे तक ये बंद रहता है। तो अब द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं मथुरा के कुछ और मंदिर देखने। वैसे हमारा डेस्टिनेशन होगा मथुरा टू वृंदावन, क्योंकि वृंदावन बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो कि आपका मन मोह लेंगे। लेकिन अभी हम जा रहे हैं मथुरा के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर, जिसका नाम है बिरला मंदिर, जिसे एक और नाम से जाना जाता है, गीता मंदिर के नाम से। तो वहां चलेंगे, वहां भगवान के दर्शन करेंगे और फिर प्रस्थान करेंगे वृंदावन के लिए। तो अगर आप भी सभी मंदिरों को देखना चाहते हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।